दर्शकों आई होप आप लोगों ने मुनव्वर फारूकी और हीना खान का जो लेटेस्ट व्लॉग था आई होप आपने वो देख ही लिया होगा, लेकिन ऐसा व्लॉग शायद ही जिंदगी में आपने देखा होगा, क्योंकि मुनव्वर ने इतना ज़्यादा हद से ज़्यादा हीना खान को इसमें रोस्ट करा है कि हीना खान ने खुद ये बात बोली थी कि लाइव आकर के कि अब मैं मुनव्वर के साथ कभी काम नहीं करने वाली, यहाँ तक कि ये तक बोल दिया था कि मैं मुनव्वर को ब्लॉक तक कर दूँ। क्यों? क्योंकि व्लॉग में आपको ये सब चीज़ें नज़र आने वाली हैं, आप खूब कहेंगे कि हाँ भाई, हाँ मुनव्वर ने काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है हीना खान को। हीना खान अपना एक्सपीरियंस शेयर करते भी आ रही हैं व्लॉग में नज़र के किस तरीके से मुनव्वर ने उनको परेशान करके रख दिया था, खास करके जब मुनव्वर से पूछा गया। हमेशा एक तो आप जानते हैं कि मुनव्वर फारूकी अपनी ओवर तारीफ़ करते हैं हर व्लॉग में, आपने शुरू से लेकर एंड तक व्लॉग देखा होगा कि उसमें मुनव्वर ने अगर दो लफ्ज़ तारीफ़ में हीना खान के बोले हैं तो हद से ज़्यादा 10 से ज़्यादा वर्ड अपने बारे में बोले हैं। इसी वजह से हीना खान कहती हैं कि इन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है, और इससे पहले भी हीना खान बड़े बड़े कोस्टार के साथ काम कर चुकी हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस उनका मुनव्वर फारूकी के साथ रहा है वो किसी के साथ भी नहीं रहा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुनव्वर फारूकी खास करके जो ज़्यादा रोस्ट करते हुए नज़र आए वो हीना को उनके खाने पर करते हुए नज़र आए, क्योंकि हीना खान ने हद से ज़्यादा फूडी हो गई थी शूट के दौरान, यहाँ तक कि मुनव्वर फारूकी ने एक एक वीडियो आपको प्रूफ के तौर पर अपने व्लॉग में दिखाई है ताकि आप लोग देख करके यकीन कर सकें कि हीना खान ने कितना ज़्यादा खाया है। और इसी चीज़ पर सबसे ज़्यादा मुनव्वर फारूकी ने उनको रोस्ट करा है, क्योंकि एक लिमिट होती है खाने की, लेकिन हीना खान ने सब क्रॉस करके हद से ज़्यादा खाती हुई आई नज़र, और इसी चीज़ पर मुनव्वर ने सबसे ज़्यादा हीना को परेशान किया था। आपको मैं विद प्रूफ के साथ आगे वीडियो दिखाने वाला हूँ ताकि आप लोग देख करके कहें कि हाँ भाई, हाँ हीना खान परेशान हो गई होंगी मुनव्वर से, क्योंकि जितना प्रोवोक मुनव्वर ने हीना को किया है इतना शायद किसी भी को स्टार के हीना के नहीं किया होगा। फिलहाल मैं आपको खास करके मेन बात यहाँ पर स्टार्ट होती है कि मुनव्वर खुद एक कैंटीन कैफ़े के पास गए थे, उनसे जाकर के मालूम करा था कि हीना आखिर कितना खा चुकी है। उन्होंने वो बताते हुए नज़र आए कि 10 गुल्ले खा चुकी हैं और भी 10 मिठाइयाँ थी जो कि वो खा चुकी हैं, और जब हीना से पूछा वो कहती है सब कुछ मैंने चार चार खाया है। आपको विद प्रूफ के तहत दिखाता हूँ, 10 गुल्ला 10 तो मिठी दो ही पूरा ख़त्म कर लिया, यहाँ पूरा खाली हो गया, कितना था सामान पूरा खाली कर दिया। अब देखो ये नहीं मानेगी, इतना खाया बाप, अल्लाह माफ कर। अरे बस कर दो यार, बस कर दो यार, तुम क्या पेट भी रेंट पे लेके घूमती हो क्या? दो दिन एक्सरसाइज, हाँ वैनिटी में रख दो, ये अभी खाने के बाद उनको थोड़ा भूख लगेगा ना, तब खाएंगे। थैंक यू सो 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 मच, ये मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी एहसान। ये पता कौन से एहसान की बात चल रही है? टाउन से पुचका लेके आया एहसान है यार।